खोल खोल के कुछ दाना नहीं रहा। आप देख सकते हैं ये जो कच्चा दाना ये इस तरह आप कलर देखो कितना काला है। ये कच्चा दाना है, ये वॉश होने के लिए अंदर जा रहा है। अब वॉश होने के बाद इसका कलर आप देखेंगे तो पूरा गंदा पानी मैल सब निकल जाएगा और ये एकदम गर्म पानी से ये उबलता हुआ पानी है इसमें हम वॉश करेंगे कि बढ़िया सा वॉश हो जाएगा। ये वॉशिंग घड़ा हमने हमारे दिमाग से ही बनाया होगा सबके पास है होने के लिए। वापस बोले अब इसमें ये उबला हुआ पानी जो है गर्म पानी इसके अंदर वॉश होने के लिए जाएगा, इससे दाने की पूरी जो अंदर का जो मैल होता है पूरा साफ हो जाएगा। इसका जुगाड़ बनाया है जो मट्टी चलती है ना नीचे से निकलती है वो ऊपर चली जाती है और आजू बाजू गर्म हो जाता है, उसकी एनर्जी पूरी काम में ले लेता हूँ। ये धंधे में सेट किया है सब जुगाड़ों में। डबल लगा दो अब ये 10 मिनट के लिए लगातार घूमेगा और दाना अंदर से बढ़िया सा थोड़ा पक भी जाएगा और इसका अंदर का जो भी मैल है डस्ट है वो सब निकल जाएगा। अच्छा ओके और चलिए स्टार्ट कीजिए। एक मिनट चल तो दाना भी निकले ना भाई चूना छोटला निकले जरा। कपड़ा तो भंगार खाई ना अभी वराड़ निकले बराबर अभी वराड़ निकले ऊपर चिमनी ऊपर थी वराड़ चाली जाए पानी नो टैंक है आखी एनर्जी जो है अमे एम वापरी लीए कि आटलू बधु पानी गरम करवानू हो और इसका जो काला पानी है पूरा हम निकाल डालेंगे। ये सर आप देख सकते हो पूरा काला पानी निकल गया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो ये दाना कितना बढ़िया सा धुल चुका है एकदम वॉश हो गया। अब इसके अंदर नमक जाएगा पूरा नमकीन हो जाएगा। नमक डालने के बाद वापस इसको हिलाएंगे कि पूरी तरह से सब में नमक आ जाए। इसको 5 मिनट के लिए घुमाएंगे कि पूरी तरह से इसमें दाने के अंदर नमक लग जाए। देख सकते हो ये बढ़िया सा दाना एकदम नमकीन हो गया है, चारों तरफ नमक लग गया एकदम बढ़िया नमक लग गया इसमें।
अब ये उबले में जाएगा, फिर बाद में रोस्ट होने के लिए। एक में एवं जो है वही है ये अपनी स्पेशल मिट्टी होती है। अच्छा, ये जमीन के तीसरे पड़ से निकलती है, उसकी मिठास इतनी होती है दाने में घुल जाती है और वही मिठास है हमारी मोनोपोली है। क्या अच्छा बात है। आप देख सकते हो कि ये रेत है लेकिन पानी जैसी घूम रही है, आपको लगेगा कि ये पानी है, उबल रहा है, पानी जैसा उबल रहा है, एकदम बढ़िया सा पकता है कि जैसे पानी में ये उबल रहा है। ये रेती हमारी ऐसी होती है कि जैसे पानी जैसे उबलती है। 15 किलो का धान होता है। अच्छा, हाँ। और ये कितनी देर पकाते हो? कम से कम 7 मिनट। 7 मिनट? 7 मिनट में रेडी हो जाती है? नहीं नहीं, इधर तो पानी भी जैसा एकदम अभी आपको गर्म नहीं लगता? गर्म लगता है, रोज का यही काम है तो तब तक गर्म लगेगा। अब तुम लोग हाथ लगाओगे तो बन सकते हो। मैं वो चना भी जलता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल पानी की तरह उबल रहा है, आप देख सकते हो। लग ही नहीं रहा है कि मिट्टी है, जैसे कि पानी में उबल रहे हो, दाने ऐसे ही लग रहा है। अब ये दाना अपना पक गया, तो ये पक के रेडी हो चुका है। रेडी हो चुका नीचे नहीं लगा। अब आप देख सकते हैं ये दाना बढ़िया सा पक चुका है। और अब इसमें और एक बार हम इसके अंदर जो मिट्टी धूल मिट्टी है उसको और एक बार साफ करेंगे। साफ सफाई में हम कसर नहीं करते। सब सुखाते, आपको सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं नहीं, तो ये हमारी प्रोसीजर ही पूरी अलग होती है। हाँ, मैंने देखा है बहुत धूप में दाल बाटी ऐसे ही साफ करते हैं। अब इसको बढ़िया सा हिलाएंगे कि अंदर से जो भी धूल मिट्टी हो वो पूरी साफ हो जाए और दाना खाने के लिए एकदम क्लीन हो जाएगा। क्योंकि वह दोनों में क्या बात है, बिल्कुल मोती जैसे दाने बन चुके हैं। एकदम आप देख सकते हो, एकदम मोती जैसे, एक्सपोर्ट क्वालिटी, खाने के लिए तैयार है गर्मा गर्म। स्टार्टिंग
देख सकते हो आप, एकदम बढ़िया क्वालिटी खाने के लिए तैयार है। और ये आपके मतलब जगह और एड्रेस क्या? वो हमारा एड्रेस है सूरत नवसारी बाजार डबू वाला गली घास वाला मोड़ टेकड़ो एकता अपार्टमेंट श्री जलाशाई दाणाचल। अपनी आ सींगदाणा खावा माटे एकदम तैयार छे सुपर क्वालिटी। ओके જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત દાણા હાથમાં આવી ગયા છે એન્ડમાં નાખ્યું।